हाय गाइस, मैं हूं शाहनवाज राइन फ्रॉम लीगल एज। और आज के जो पूरा सेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड है जो ब्लैट में अपियर होने वाले हैं इस साल या जो अगले साल या उसके अगले साल ब्लैट को भी एक मेजर एग्जाम की तरह देख रहे हैं और अपियर होना चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ब्लैट एग्जाम के अंदर। सो आज के पूरे सेशन में हम बात करेंगे कि अब जबकि की पूरी पूरी डेट्स आ चुकी हैं, पेपर की डेट डिक्लेयर्ड है, आप लोगों ने फॉर्म्स भर दिए हैं, फॉर्म्स की डेट्स भी क्लोज हो चुकी हैं, तो अब यहां से जो एक हफ्ता बचा है उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इस पूरे सेशन में मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूं और स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं कि क्या होना चाहिए आपका लास्ट वीक कंसिडरिंग ब्लैट 29 सितंबर को जो पेपर होने वाला है उसके बारे में पूरा पूरा सेशन होने वाला है। सो जुड़े रहिए एंड तक, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा याद से। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि जिसको किसी तरीके के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री में काउंट की जाने वाली यूनिवर्सिटी, जहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ना सिर्फ लॉ, यहां पे आपको एजुकेशन के ऊपर डिग्रीज मिल रही हैं या इंजीनियरिंग के लिए भी कोर्सेज प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो यूनिवर्सिटी काफी पुरानी है, काफी बड़ी है और उसका फैकल्टी ऑफ जो लॉ है वो आपको BA LLB और LLB दो टाइप के ये लोग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और ज्यादा ये रेनाउंड है शुरू से, क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है और इंडिया में 5 ईयर्स लॉ बाद में आया, तो ये लोग अपने LLB प्रोग्राम के लिए ऑल ओवर इंडिया जाने जाते हैं। बट अब इनका BA LLB भी काफी ग्रूम हुआ है, काफी अपडेट हुआ है, अपग्रेड किया है इन्होंने अपने आप को, तो अब ये लोग BA LLB के लिए भी इनका जो नाम है वो कंट्री के अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में इन्हें काउंट किया जाने लगा है। सो ब्लैट नाम का जो एग्जाम है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम के लिए किया जाता है। तो इसको आप बहुत क्लियरली समझ लें कि अगर आप 3 ईयर्स LLB में जाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए, ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। एंड आई एम श्योर आपको ये चीजें पहले से क्लियर होंगी, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है, वहां पर भी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस पेपर को कंडक्ट करवाती है और ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री जिसका नाम है BA LLB ऑनर्स उसके लिए करवाया जा रहा है। इस साल की जो डेट है, टेस्ट की जो डेट है वो 29 सितंबर रखी गई है और पेपर का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होने वाला है, तो 2 घंटे का पेपर होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम के लिए, कि आपको सिर्फ एक 12th का आपके पास सर्टिफिकेट हो, अगर आप 12th अपियरिंग है या आप 12th में ऑलरेडी अपियर्ड है और यू हैव स्कोर्ड 50% मार्क्स इफ यू बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो 45% फॉर OBC एंड SC एंड ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 40% मार्क्स रखा गया है। तो किसी भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स में ये परसेंटेजेस इसलिए लो रखे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को ये चांस मिले, और ये एक अच्छी अप्रोच है कि जो एलिजिबिलिटी है उसे काफी सिंप्लीफाई रखा गया है। हाँ, एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा कि ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से अगर आपने 12th किया है तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, फिर वो आपको एलिजिबल नहीं मान रहे हैं ब्लैट एग्जाम को लेकर। तो अगर आपको इस पर और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई वुड रिकमेंड यू शुड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम के अंदर होने क्या वाला है, क्या बेसिक डिटेल्स हैं एग्जाम के ऊपर, तो ये जो एग्जाम है, ये जो पहली इनका जो BA LLB जो कोर्स है वो एक स्पेशल कैटेगरी कोर्स कहलाता है। दैट मींस यूनिवर्सिटी आपसे रेगुलर एग्जाम्स की तरह रेगुलर फीस नहीं लेती है, एक 60,000 रुपीज का एक एड ऑन अमाउंट लिया जाता है, क्योंकि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो इस प्रोग्राम को एक स्पेशल कैटेगरी कोर्स में काउंट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने 3 ईयर्स LLB प्रोग्राम के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो ये पेपर 2 घंटे का होगा और ये स्पेसिफिकली 5 ईयर्स लॉ प्रोग्राम के लिए ही किया जा रहा है। इस पेपर के अंदर 4 सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, वो 4 सेक्शंस हैं जर्नल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, एक नया सा नाम जो आपको सुनने में आ रहा होगा बट ये कुछ नहीं है, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा हर सेक्शन के बारे में, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर आप इस पेपर के सेक्शंस को देखें तो कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आपने क्लैट लिखा हुआ है, आपने IELTS लिखा हुआ है एंड यू हैव अपियर्ड इन ऑल द मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ द कंट्री, तो यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दीज सेक्शंस। ऐसा कोई नया सेक्शन नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है या आपको नहीं पता होगा। सो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स
हमने क्लैट में भी देखा, हमने आईलेट में भी देखा और हमने बाकी सारे पेपर्स में भी देखा है। तो वही रेगुलर मेजर सेक्शंस है जो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। इस पेपर में आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और इस साल इनकी जो मार्किंग स्कीम रखी गई है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, सो दे हैव रिटन इन द इंफॉर्मेशन बुकलेट दैट वन राइट आंसर विल फेच यू 4 मार्क्स। एक सही सवाल करने पे आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, और अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत करा तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो मार्किंग स्कीम जो है वो क्लियर है, 4 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर, 1 मार्क फॉर द नेगेटिव आंसर। इन टोटल आपकी जो मार्किंग होगी वो आउट ऑफ 600 मार्क्स होने वाली है। पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये जो है होने वाला है। यूनिवर्सिटी अपने इस प्रोग्राम में पहले तक 60 सीट्स का इंटेक लेती थी, बट इस साल के इनके बुकलेट में लिखा गया है कि दे आर गोइंग टू टेक 74 मैक्सिमम कैंडिडेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है ये ब्लैट के थ्रू आपको इसमें एंट्री दी जा रही है। सो ये है मेजर डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशन। चलिए तो अब देखें कि हर सेक्शन के अंदर हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पढ़ना क्या क्या है सेक्शंस के अंदर, अगर हम उसकी तरफ मूव करें। एंड देन आई विल बी मूविंग टू ऑफ कोर्स द लास्ट मोमेंट टिप्स के लास्ट वीक में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। सो करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन जिससे कोई भी लॉ एस्पिरेंट अननोन नहीं है, अनअवेयर नहीं है। वी ऑल नो जनरल अवेयरनेस में वो सारे मेजर टॉपिक्स आ सकते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, मेजर कमिटीज ऑफ द कंट्री, मेजर कम्युनिटीज, मेजर यूनियंस ऑफ यूएन की जो बॉडीज हैं, जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके बारे में, डिफेंस, स्पेस अथॉरिटीज जो हो गई, इंडियन जुडिशरी, अवार्ड्स, ऑनर्स, लिटरेचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे हम बोलते हैं कि अबव द सन अंडर द सन सब कुछ जनरल अवेयरनेस है, वैसे ही कुछ यहाँ पर है। बट हाँ, जाहिर सी बात है कि इसमें आप कितना पढ़ेंगे, अब लास्ट मोमेंट में आप कितना पढ़ेंगे वो हम आगे बात करेंगे। करंट अफेयर्स वही सारे इवेंट्स जो एक साल में हमने देखे, जो मेजर मेजर इवेंट्स एक साल में हुए हैं, जो कि आपको ऑलरेडी लीगल एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के तौर पे दिए जाते हैं, या हमारी जो क्लैट पोस्ट हम पब्लिश करते हैं हर मंथ, वहां पे आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और साथ ही साथ हमारे जीके के जो मेन क्विजेज होते हैं वहां पे भी आपने इन सारी चीजों को ऑलरेडी देखा हुआ है। और क्योंकि आपने क्लैट और आईलेट की तैयारी पहले से की हुई है तो आपको सब कुछ थोड़ा सा ब्रशअप करना है। मेरे हिसाब से इसके प्रेफर्ड सोर्सेज, स्टडी सोर्सेज कैन बी आरएसएम्स फॉर जीके। आपको क्लैट पोस्ट पढ़ लेनी चाहिए, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है वो आपको एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। और ल्यूसेंट की एक जीके की बुक आती है, वो आपका जीके काफी हद तक जो है वो कवर कर दिया। कोई भी ईयर बुक जहां पे आपको पूरा ईयर के मेजर इवेंट्स कवर हो जाए। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा सेक्शन जो कि हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का कोर बनता है, तो यहाँ पे भी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आना ही आना है, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं वोकैबुलरी के ऊपर। तो पिछले 4-5 सालों में हमने क्या देखा पेपर में वो भी हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के अंदर। साथ ही साथ इसमें डायरेक्ट पैसेज बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी जो एक सेक्शन नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर ये कुछ नहीं है, ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। स्पेसिफिकली लॉजिकल में यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग को देखा गया है ज्यादातर। और अगर हम मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करें तो वही रेगुलर जो टॉपिक्स हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, जैसे HCF, LCM, परसेंटेजेस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं मैथ्स के अंदर वो यहाँ पे कवर होते हैं। रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इस तरीके के टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। लीगल एप्टीट्यूड, ये लीगल रीजनिंग नहीं है, लीगल एप्टीट्यूड लिखा गया है। सो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इस पेपर में क्या पूछा जाता है, सो लीगल एप्टीट्यूड का मतलब है यहाँ पे कि आपसे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड लीगल मैक्सिम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट लीगल नॉलेज के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं, और जो नॉर्मल लीगल का जो मेन कोर पार्ट है जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ये तो हुआ कि इस पेपर के हिसाब से सेक्शन के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है।
पर अब क्योंकि एक एक पूरा का पूरा वीक बचा हुआ है, तो लास्ट मोमेंट पे एक एस्पिरेंट को जिसको ब्लैट क्रैक करना है, उसको क्या करना चाहिए, उसको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, तो ये पूरा अब आगे का जो 5-10 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो मैंने ये कंपेयर किया कि पिछले 3 से 4 साल में इन्होंने किस तरीके का पेपर ब्रेकअप रखा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये पेपर दे रहे हैं, ध्यान रखें कि एक इंग्लिश सेक्शन है जो इनका हमेशा कांस्टेंट रहा है, हर बार 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी किसी सेक्शन से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 43 आ रहे हैं, कभी 20 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी 50 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हर सेक्शन फ्लक्चुएट होता है। इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है दैट देयर विल बी अ प्रॉपर सेक्शनल डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस। सो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे ये आपको। और अगेन, इंग्लिश कांस्टेंट रहा है दैट डजंट मींस कि इस साल भी कांस्टेंट रहेगा, हो सकता है वो फ्लक्चुएट हो जाए। तो अभी तक का हमने जो इनका पेपर पैटर्न देखा है कि लीगल में पिछले 3 साल में कभी 40 क्वेश्चन आए, कभी 55 क्वेश्चन आए, तो कभी 50 क्वेश्चन आए। इंग्लिश में पिछले 3 सालों में 30-30 क्वेश्चन आए हैं। मेंटल एबिलिटी में उन्होंने 40 क्वेश्चन, 2 बार 40-40 क्वेश्चन पूछे पिछले 3 साल में, पर एक बार इन्होंने सिर्फ 22 क्वेश्चन पूछे। वराज करंट अफेयर्स एंड जीके जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। इस तरीके से पिछले 3 सालों में क्वेश्चन का जो डिविजन है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहा है। इस साल मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मेरे हिसाब से लीगल एप्टीट्यूड में आपको कम से कम 48 से 55 क्वेश्चंस के बीच में देखने को मिल सकते हैं। ये मैं आपको एक पैरामीटर बता रहा हूँ कि कितना कितना ब्रेकअप हो सकता है किसी सेक्शन का। इंग्लिश मेरे हिसाब से अगेन 30 से ऊपर नहीं जाएगा, हायर 30-32 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मेंटल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी दे कैन गिव यू क्वेश्चन रेंजेस बिटवीन 35 to 40, एंड जी ए दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इस सेक्शन में आपको 35 to 40 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दिस कैन बी द ब्रेकअप ऑफ द पेपर विच इज गोइंग टू कम इन कम ऑन 29th of September। तो अब अगर ये सेक्शनल ब्रेकअप है तो हमें सेक्शन वाइज किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर मैं पिछले साल का पेपर के ऊपर बात करूं कि पिछले साल का जो उनका पेपर था वो हमें काफी कुछ हिंट देता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम किसी भी पेपर के बारे में जब भी कोई प्रेडिक्शन देते हैं तो वो हम पिछले सालों के पेपर के बेस पे ही दे सकते हैं। तो पिछले 3 सालों में इन्होंने क्या क्या किया, अगर हम वो पैटर्न देखते हैं, और प्रिसाइजली अगर इफ आई टॉक अबाउट ब्लैट 2020, सो मुझे क्लियरली दिखता है कि करंट अफेयर्स ऑन जी जनरल अवेयरनेस में हमने क्वेश्चंस देखे हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन आए हैं, इन्होंने अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछे, इन्होंने काफी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्लैट की तरह जीके नहीं देते हैं जहां पे आपको पैसेज बेस्ड आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये काफी ईजी सेक्शन रहता है। सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फैक्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, उसके उसको एक अपर एज मिलेगा यहाँ पर जीएक और करंट अफेयर्स के सेक्शन में। करंट अफेयर्स के लिए आई वुड अगेन रिकमेंड आप सारी की सारी क्लैट पोस्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहते तो कम से कम जनवरी से आप उठा लीजिए, या अक्टूबर से आप क्लैट पोस्ट उठा सकते हैं। आप सारे क्विजेस देख लीजिए एक बार, मैराथन रिवाइज कर लीजिए, कोई भी ईयर बुक अगर आपके पास है या RSM है या GMB है तो इनको अगर आप एक बार रिवाइज कर लें तो आपका ये सेक्शन तैयार हो जाएगा। लेवल आई वुड से कि ये मॉडरेट टू इजी टाइप का पेपर आने वाला है इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर। लीगल एप्टीट्यूड ये जो सेक्शन था, इसमें हमने जब ब्लैट 2020 देखा और हमने ब्लैट 2019 देखा, तो वहां पे देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, क्लियर प्रिंसिपल दिया होता है, क्लियर फैक्चुअल सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा आपको घुमाया फिराया नहीं जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये सेक्शन भी मॉडरेट ही रहा है अभी तक। और लीगल मैगजीन्स के ऊपर 8 से 10 सवाल पूछे गए लास्ट ईयर। इन्होंने लास्ट ईयर करंट लीगल नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे, और काफी सारे क्वेश्चन हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इन सबसे भी हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर आप लीगल एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक लीगली नाम की बुक हमने प्रोवाइड की है, लीगल कॉन्टॉप्स जिसे हम बोलते हैं, जहां से आपका लीगल पूरा पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। करेंट लीगल नॉलेज का मंथली राउंड अप ऑलरेडी करते आए हैं, आप चाहें तो हमारे इसी चैनल पर जाके सारी वीडियोस एक बार रिवाइज कर सकते हैं। RSMs, GMB और क्लैट लिस्ट आर मोर देन सफिशियंट, आपने बहुत हाई लेवल का लीगल ऑलरेडी प्रिपेयर करा हुआ है क्लैट और आईलेट के लिए, सो आई डोंट थिंक कि ये सेक्शन आपके लिए कोई पेनफुल एरिया बनने वाला है। और लीगल तो हम काफी टाइम से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इतनी सारी मैराथन ऑलरेडी हो चुकी हैं, मास्टर क्लासेस हुई हैं, मैराथन हुई हैं, सो इस सेक्शन में भी आपको बहुत हाई लेवल करने की बजाय आपका फोकस होना चाहिए कि मैं सब कुछ एक बार रिवाइज कर लूं।
इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश वॉज द इजिएस्ट सेक्शन लास्ट ईयर. इंग्लिश में हमने आरसी से क्वेश्चंस देखे, हमने ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशंस के ऊपर क्वेश्चंस थे, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस थे. और ये सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहा ब्लैट 2020 को अगर हम ओवरऑल एनालाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से इंग्लिश इस साल भी देर कैन बी मिक्सचर ऑफ वन और टू पैसेजेस कमिंग फ्रॉम आरसी, क्वेश्चंस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम ग्रामर, थोड़े बहुत वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं. तो जिस तरीके की इंग्लिश आपने आईलेट में देखा, बट आईलेट की इंग्लिश और क्लैट की, अगर क्लैट की इंग्लिश थोड़ी सी ऊपर चली जाती है तो बहुत हाई लेवल इंग्लिश नहीं आएगी, इजी इंग्लिश ही आएगी. तो उसी तरीके से अपनी तैयारी करें, सारी वोकैबुलरी एक बार रिवाइज कर लें, ग्रामर रिवाइज कर लें. ज्यादा से ज्यादा अगर आप आरसीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आरएसएमसी या जीएमबी रिवाइज कर सकते हैं. मेंटल एबिलिटी अगेन एक ऐसा सेक्शन जो जिसको मैं बाकी सारे पेपर से अगर कंपेयर करता हूँ तो मेरे हिसाब से ये सेक्शन भी इजी रहा लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. और इसमें हमने 10 सवाल देखे थे एनालिटिकल रीजन से आते हुए, बाकी के 25 सवाल हमने देखे थे सीधे सीधे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आते हुए. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस देखे गए परसेंटेजेस से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के रेगुलर टॉपिक्स. तो अगर आपके पास आरएसएम्स हैं, अगर आपने मैराथन्स अटेंड करी हुई हैं, अगर आप अपनी क्लासेस को रिवाइज कर लें और आप अपने पिछले 4-5 मॉक्स जो है जिसमें आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे हैं, या आपने जो स्पीड टेस्ट रखे हुए हैं आपके पास आपके पोर्टल पे, जितने भी लीगल एज के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास टॉपिक टेस्ट रखे हुए हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर, आपके पोर्टल के अंदर जाइए और वो सारे टॉपिक टेस्ट बना दीजिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्वांट हो, चाहे लीगल हो. तो अगर आप वो टॉपिक टेस्ट दे देते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगा इन सारे चीजों को रिवाइज करने में और प्रिपेयर करने में. सो एज आई सेड, मेंटल एबिलिटी के अंदर मैथ्स का जो सेक्शन था, मैथमेटिक्स का सेक्शन थोड़ा सा हायर साइड पे था, रीजनिंग जो था वो कम था, क्रिटिकल तो बिल्कुल नहीं था. तो इस साल भी हम ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मैथ्स को थोड़ा हायर साइड पे रखेंगे, बट हाँ लेवल जो है पेपर का वो ओवरऑल हम इजी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये है मेरे एंड से आप लोगों के लिए टिप्स. लास्ट वीक आपको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए. बहुत हाई लेवल पढ़ने की कोशिश ना करें, कोशिश ये करें कि जिस सेक्शन के ऊपर आप तैयारी करें वो सेक्शन आपका पूरा पूरा कवर हो जाए, टॉपिक्स आपके पूरा कवर हो जाए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए. और क्लैट की तरह के क्वेश्चंस को इग्नोर करें. आप पेपर का पैटर्न जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको टॉपिक टेस्ट में मिलेंगे, आरएसएमएस में मिलेंगे, सो क्लैट वाले जोन से थोड़ा सा बाहर आए और पेपर का जो पैटर्न है उसको समझते हुए प्रैक्टिस करना इज द कोर की. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड इफ यू कैन गो बैक टू योर ब्लैट मॉक्स जो आपको लीगल एज ने करवाए हैं. हमने मैराथन भी करवाई है ब्लैट के ऊपर, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की वीडियो रखी हुई है, ये सारी वीडियोज देख लें, आपको काफी हेल्प मिलेगा इस पेपर को क्रैक करने में. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप इस सेशन से आपको कुछ फायदा होगा और आप सभी लोगों का आई होप आई विश मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी का, अगर आप इस पेपर में जा रहे हैं तो आप सभी का सिलेक्शन हो और पूरे के पूरे 74 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे लीगल एज के होनहार बच्चे हों, ऐसी मैं दुआ करूंगा. इसके अलावा अगर आप हमसे और किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम अवेलेबल हैं. टेलीग्राम पे हैं लीगल एज का यूट्यूब चैनल, ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं. इंस्टाग्राम पे हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें. फेसबुक पे भी हम लोग अवेलेबल हैं. एंड अगर आप हम मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो सामने दिए हुए फोन नंबर्स को डायल करें. साथ ही साथ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म अटैच है, उसे फिल करें ताकि आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you so much for watching this video. All the very best for your BLAT and MHCT exam. We will be coming up with MHCT last moment strategies very soon once we are done with BLAT. Thank you so much. Bye-bye. Take care.